नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से ना एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ड्रिंक्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हमें परमानेंटली अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, आप अगर किडनी के मरीज हैं तो आपको ये ड्रिंक परमानेंटली अवॉइड करने ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी और तरह की कोई समस्या है या फिर आप स्वस्थ भी हैं तो भी आपको ये ड्रिंक अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। जो ड्रिंक्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, इनके अंदर बहुत ही हार्मफुल केमिकल होते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और जो भी चैनल के ऊपर नए आए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का लिंक आप लोगों को ना सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हम जिन ड्रिंकों के बारे में बात कर रहे हैं वो तो किडनी के जो भी मरीज हैं, चाहे वो मेडिसिन के ऊपर हैं, चाहे वो डायलिसिस के ऊपर हैं, या फिर जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हो चुका है, उन्हें तो परमानेंटली अवॉइड करना ही है। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है आप लोगों को, तो भी आपको ये ड्रिंक अवॉइड करने चाहिए। दोस्तों, वह कौन कौन से ड्रिंक्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो जो सबसे पहला है वो है जूस। दोस्तों, जूस का नाम सुनकर के आप कहेंगे कि भाई जूस तो पीने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, इनको हमें अवॉइड क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, जूस है ना दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम ताज़ा फलों से निकाल करके जूस तैयार करते हैं, एक तो वो होता है। दूसरा होता है जो पैकेट के अंदर आपको मार्केट में मिलता है। दोस्तों, जो पैकेट के अंदर आपको जो जूस मिलता है उसको तो आप मैक्सिमम अवॉइड करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनकी जो एक्सपायरी होती है ना वो लंबे टाइम की होती है, 3 से 6 महीने, साल साल तक की उसकी एक्सपायरी होती है। और जो जूस है ना, रियल जो जूस होता है, उसको अगर आप निकाल करके रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाता है। तो यह जूस ख़राब क्यों नहीं होता? इसके ख़राब ना होने का कारण यही होता है कि क्योंकि इसके अंदर बहुत ही हार्मफुल केमिकल डले हुए होते हैं, इसके अंदर कलर्स बहुत हानिकारक डले हुए होते हैं, इसके अंदर जो आप फ्लेवर्स लेते हैं वो भी इसके अंदर बहुत ही हानिकारक फ्लेवर्स इसके अंदर डले हुए होते हैं, जिसके कारण ये ख़राब नहीं होते हैं और लंबे टाइम तक इनकी जो तासीर है वो बनी रहती है। लेकिन जैसे ही आप इनको लेते हैं, आप पीते हैं, तो इनका जो डायरेक्ट असर है आपकी बॉडी के ऊपर, आपके ऑर्गन्स के ऊपर देखा जाता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी किडनियों के ऊपर आता है, फिर लीवर पे आता है, और इनके अंदर जो शुगर शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपके हार्ट को नुकसान पहुँचाते हैं, आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए इन्हें आप परमानेंटली अवॉइड करें। दोस्तों, इसके अलावा जो ताज़ा जूस है उसको भी आप मैक्सिमम अवॉइड करें, क्योंकि दोस्तों जो जूस होते हैं, जूस को निकालने के बाद उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर लेवल उसका बढ़ जाता है। और फलों से जो हम मिनरल्स और विटामिन्स लेते हैं वो जूस के अंदर नहीं जाते हैं, और ना ही फाइबर हमें जूस के अंदर मिलता है, जिसकी वजह से ये हमें फ़ायदा कम पहुँचाते हैं और नुकसान ज़्यादा पहुँचाते हैं। तो इसलिए हमें जूस अवॉइड करना चाहिए, हमें जो सीजन के फल हैं उनका जूस ना निकाल करके हम डायरेक्ट फलों को खाएं, क्योंकि दोस्तों उनसे मिलने वाले शुगर, उनसे मिलने वाले मिनरल्स और विटामिन्स, उनसे मिलने वाले फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ फलों के अंदर जैसे पोटासियम होता है, उनसे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अगर हम उन्हीं फलों का जूस निकालते हैं तो पोटासियम की मात्रा बढ़ जाती है जूस के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो जो कि हमारी बॉडी के लिए ना थोड़ा अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हमें जूस को मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरी ड्रिंक है वो है एल्कोहल। दोस्तों, एल्कोहल हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसके अंदर एथोनाइल, मेथोनाइल, शर्करा और कैस्ट्रोल की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जा करके हमारा कैस्ट्रोल लेवल बढ़ाते हैं, हमारा शुगर लेवल बढ़ाते हैं, और हमें पता है तो हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का जो रिस्क है बढ़ जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ हमारी इंक्रीज हो सकती है, हमारा हाइपरटेंशन की समस्या हमें हो सकती है। दोस्तों, ओवरऑल हेल्थ के लिए हम एल्कोहल को बहुत ही नुकसानदेह मानते हैं, इससे हमारे को हार्ट डिजीज होने का जो रिस्क है ना वो बहुत बढ़ जाता है, इससे हमें स्ट्रोक्स आने का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो दोस्तों इसलिए हमारे डॉक्टर हमें एल्कोहल के लिए मना करते हैं, लेकिन हमने फिर भी देखा है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बहुत से लोग हैं एल्कोहल का सेवन कर रहे होते हैं। अगर लिमिट के अंदर वो करते हैं तो कोई ज़्यादा नुकसानदेह उनके लिए नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उनकी लिमिट बढ़ती है ना, तो उनके लिए जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का जो रिस्क है ना वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें इस ड्रिंक को भी मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जो तीसरी ड्रिंक है वो है सॉफ्ट ड्रिंक, जिसको हम कोल्ड ड्रिंक भी बोलते हैं। ये सबसे हानिकारक ड्रिंक में से आता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, और किडनी के मरीज के लिए तो ये बहुत ही हानिकारक होती है, क्योंकि इससे हमें स्टोन बनने का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा रहता है। दोस्तों इसके अलावा इसके अंदर शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, और इससे हमें हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, गाउट की समस्या, लीवर से संबंधित समस्या पैदा होने का जो रिस्क है ना वो बढ़ जाता है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आपको किडनी से रिलेटेड समस्या होने का जो रिस्क है ना वो कहीं हद तक बढ़ जाता है, और अगर आप किडनी के पेशेंट हैं कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही होती है उसकी स्पीड को ये बढ़ा देता है। तो दोस्तों इन तीनों ड्रिंकों में से जो सॉफ्ट ड्रिंक जिसको हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं ये बहुत ही हानिकारक है, इस परमानेंटली आपको ये अवॉइड करनी है। जो स्वस्थ इंसान है उनको भी कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमारे समाज के अंदर गर्मियों के मौसम के अंदर कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके पीने से जितना हम अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये हमारे लिए समस्याएं पैदा करता है। तो दोस्तों ये कुछ ड्रिंक्स हैं जिनको हमें परमानेंटली अवॉइड करना है। और दोस्तों अगर आप ड्रिंक्स से संबंधित किसी भी तरह के अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें, और आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा, और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।